आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। बात किए थे पिछले क्लास में, अब हम बात करेंगे यहाँ देखिए प्रीपोजिशन से। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे ये एट हो गया, इन हो गया, टू हो गया, विथ हो गया, ऑन, फोर, अंडर, ये सब क्या है? ये प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन का हम यूज़ कहाँ काम करते हैं? नाउन और प्रोनाउन के पहले। जैसे कोई नाउन आया या प्रोनाउन आया ना, उसके पहले हम यूज़ करेंगे। अब कंजक्शन क्या है? ये कंजक्शन का मतलब होता है जो, मतलब ये सेंटेंस को जोड़ता है। सेंटेंस को ये क्या करता है? जोड़ता है। इसको हम ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे आप एंड लगाइएगा तो ये क्या करेगा? दो सेंटेंस को जोड़िएगा। बट लगाइएगा, उसके बाद और लगाइएगा, थ्रू लगाइएगा, बिकॉज लगाइएगा, ये सब क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स है। और इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन जो है ये फीलिंग, सडन फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग को ये क्या करता है? दिखाता है। जैसे ओ, ये, हेलो, वाओ, सच, आउच, है ना, हुरे, जैसे जितने पर लोग नहीं करता है उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। ये क्या करेगा? ये जो है ये स्ट्रांग और सडन फीलिंग इसको एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे हम आज बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। और ये क्या करता है? इससे कंप्लीट सेंस आएगा। विच अ ग्रुप ऑफ वर्ड है और इससे कंप्लीट सेंस आएगा। जैसे देखिए इसका डेफिनेशन हो जाएगा, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, मतलब उसका कुछ सेंस आए। अब जैसे आपने कभी देखा होगा जो सेंटेंस होता है उसको हम जो स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। यू सी इन एनी सेंटेंस, आपने बुक में देखा होगा, तो ये क्या होगा? एनी सेंटेंस बीइंग विथ कैपिटल लेटर और एंड विथ फुल स्टॉप। वो एंड कैसे करेगा? फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से। ये देखिए एक्सक्लामेशन मार्क, इस मार्क को एक्सक्लामेशन मार्क बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे किसी सेंटेंस से हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या हो रहा है। देखिए जैसे हम जो है, आप ये देखिए, सी इज़ यूजिंग अ कंप्यूटर, ये सेंटेंस है। आप देखिए सी इज़ यूजिंग अ कंप्यूटर, तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट हो गया। ये क्या कर रहा है? बता रहा है कि कंप्यूटर यूज हो रहा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इस ये जरूर जो है ना, ये क्वेश्चन इससे पता चलेगा। हैव यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, क्या आपने कंप्यूटर को ऑन कर दिया? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क वाला आ गया, स्विच ऑन द कंप्यूटर, ए स्विच ऑन द कंप्यूटर। ये सेंटेंस से ही पता चल रहा है किसी को कमांड दिया जा रहा है। उसके बाद हाउ यूजफुल कंप्यूटर इज, यहाँ देखिए एक्सक्लामेशन आ गया। तो ये जो इसमें क्या आ गया, ये जो यूजफुल है, हाउ यूजफुल द कंप्यूटर इज, तो यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है कि ये कंप्यूटर हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, अब ये लगता है सेंटेंस का चैप्टर ख़त्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद नीचे जो है स्टेटमेंट्स वगैरह, क्वेश्चन है ना, तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन चलिए हम बात करते हैं स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए द मून गोज राउंड द अर्थ, यहाँ पे क्या है? जो मून है, चंद्रमा है, वो अर्थ का चक्कर लगाता है। ये क्या आ रहा है? स्टेटमेंट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे गुड पीपल्स वर्क हार्ड, मतलब अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, ये स्टेटमेंट आ रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? ये देखिए क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन आ रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर, यहाँ बहुत कितने समय से रह रहे हो? तो ये भी क्या हो रहा है? ये आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए ये कमांड, क्लोज द गेट, यहाँ क्या है? ये कमांड दिया जा रहा है, डोंट मेक अ नॉइस, मतलब आवाज़ मत करो। तो यहाँ क्या है? कमांड दिया जा रहा है। टीचर लोग बोलते हैं ना, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, एक्सक्लामेशंस। तो अब यहाँ देखिए एक्सक्लामेशन, हाउ क्लेवर ही इज, कितना चतुर है ये चतुर आ जा रहा है यहाँ। चालाक मैने, वॉट अ गुड आइडिया, क्या आइडिया है, ये जो आइडिया आपको दिख रहा है ना, ये गुड आइडिया, तो ये क्या हो गया? एक्सक्लामेशन हो गया। तो अब स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एसर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टेटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस। ये क्या से एंड करेगा? फुल स्टॉप से, तो द एंड विथ अ फुल स्टॉप। अब क्वेश्चंस जो हो जिसमें पूछा जाता है जिस सेंटेंस में, तो क्वेश्चन आर ऑल्सो कॉल्ड क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है और इसमें क्वेश्चन ही मार्क रहेगा। ठीक है, कमांड्स वाला में क्या होगा? कमांड्स से जो भी सेंटेंस में पता चले कमांड मिल रहा है, जैसे हो गया सिट डाउन, गो देयर, तो ये क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। कमांड्स कैन बी कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। और ये भी फुल स्टॉप से ही क्या होगा? सेंटेंस एंड करेगा। दे यूजुअली एंड विथ अ फुल स्टॉप। फिर यहाँ क्या है?
एक्सक्लामेशन, ये जो एक्सक्लामेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अभी मैंने आपको दिखाया था ये जो देख रहे हो ना ये वाला मार्क, यही एक्सक्लामेशन मार्क है। तो ये जो है यहाँ पे लगता है ये चैप्टर आपका अब यहाँ ख़त्म हो गया। तो ये जो है देखिए, अब जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, जिससे देखिए अब यहाँ जो है हम आपको क्या करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जो कुछ यूज़ हैं, जो कि ऑर्डर दे दिया गया, तो इम्प्रूव योर स्पेलिंग है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग सुधारने के लिए बोला जा रहा है। जैसे एडवाइस हो गया ना कि आप स्पेलिंग सुधारो, ये एडवाइस में आ जाएगा। हैव एन आइसक्रीम, हैव एन आइसक्रीम मतलब ये आपको आइसक्रीम चाहिए, तो यहाँ पे ऑफर करना हुआ, ये भी क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस में आ गया। हैव अ नाइस टाइम है ना, अच्छा समय है, तो यहाँ पे आप किसी के लिए अच्छा विश कर रहे हो कि उसका समय अच्छा चले। अब यहाँ पे क्या है, टू वार्म समबडी है ना, या यहाँ पे देखिए माइंड द स्टेप्स, मतलब स्टेप्स जो है क्या कर रहा है, इसको माइंड करने बोल रहा है। तो ये यहाँ क्या हो गया, टू वार्म समबडी, किसी को वार्म करने के लिए बोल रहा है। फिर क्या हो गया, शेक वेल बिफोर यूज़, जैसे कहीं कभी आपने देखा होगा दही लस्सी वगैरह होता है या कोई कोई चीज़ होता है जिसको बोला जाता है कि शेक करके पियो ताकि मिल जाए अच्छे से। तो वहाँ क्या हो रहा है, आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई इसको तो पहले मिला लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज का क्लास के लिए बस इतना ही, आप इसको बढ़िया पढ़ के आइएगा, फिर हम लोग अगले दिन अगला टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।